कि नेपाल में ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक डिजीज है। नेपाल से ह्यूमन ट्रैफिकिंग सबसे अधिक है विश्व में इस समय। ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूएस में भी है। ये एक तरह का समाज का कैंसर है, रोग है, और बड़ी मतलब एक सिस्टमैटिक ढंग से होता है। सरकार की ओर से कोई ऐसी निश्चित योजना नहीं है जो कि हम नेपाल के युवा वर्ग को जोड़ के और नेपाल में ही रहने का कुछ ऐसा करे, क्योंकि तराई से ऊपर पहाड़ों से बच्चे जा रहे हैं बाहर और दो दो साल तक वापस नहीं आ रहे। जिस तरह से स्विट्ज़रलैंड को एक तरह से यूरोपियन कंट्रीज़ ने प्रोटेक्शन दिया है, ऐसा ही नेपाल को एक प्रोटेक्शन देना चाहिए और उसकी समृद्धि में आगे उसका सहयोग करना चाहिए, ना कि अब उसको डोनेशन देते हैं तो इन लोग का वो ठीक नहीं लगता इन लोगों को, बात यही है। तो भारत सरकार से आप लोगों की कुछ उम्मीदें होंगी? बहुत है, उम्मीदें बहुत है, और हमेशा जो जिससे भी मिलती हूँ, चाहे किसी भी लेवल के मंत्री हों या मुख्यमंत्री हों, कहीं के सबसे मेरा तो नेपाल इज़ माई पेन इन माई हार्ट। नेपाल जो इतना छोटा सा देश है, राष्ट्र है, इस समय समझ लीजिए आप पूरी तरह चाइना के अधीन है। फाइनेंशियली उन लोगों ने ले रखा है, पर जिस दिन चाहे भारत हटा सकता है। अभी भारत के ऊपर है कि वो किस तरह से उसकी विदेश की नीति नेपाल के प्रति क्या है। चाइना हमको घेर रहा है, नेपाल में घुस गया है बुरी तरह से, पाकिस्तान में बुरी तरह घुस गया है, श्रीलंका में घुस गया है, इधर सेवन सिस्टर्स की ओर से घुस रहा है। तो आई एम 100% श्योर कि भारत सरकार को इसका पूरा ज्ञान है। अब उसमें हम और आप यही कह सकते हैं कि आपकी विदेश की नीतियों में कुछ बदलाव लाना ही होगा, नेपाल को सशक्त बनाना ही होगा, और नेपाल सशक्त बन जाएगा तो हर जगह क्या है। जब यूपी और बिहार आगे बढ़ेगा, नेपाल भी आगे बढ़ेगा, क्योंकि उन दोनों का संबंध ही ऐसा।